गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक WWE के आज हुए स्मैकडाउन का मेन इवेंट नहीं देखा है तो गाइज मैं आपको बता दूं, आज WWE के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के ऊपर हमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स देखने को मिले, जहां पर स्मैकडाउन के मेन इवेंट के ऊपर रोमन रेंग्स जे उसो को रिंग में कॉल आउट करते गए और गाइज रोमन रेंग्स जे उसो से ये पूछते गए कि वो रोमन रेंग्स के साइड लेंगे या फिर जिमी उसो का, जिसके बाद के जे उसो ये कहते गए कि अगर जे उसो ब्लड लाइन के अंदर काम करेंगे तो गाइज पॉल हेविन को ब्लड लाइन को लीव करना पड़ेगा। बट गाइज यहां पर रोमन रेंग्स ये कहते गए कि जब तक WWE के अंदर रोमन रेंग्स ट्राइबल चीफ हैं तब तक रोमन रेंग्स पॉल हेविन को ब्लड लाइन से बाहर नहीं करने वाले गए। और गाइज अगर यहां पर जे उसो को पॉल हेविन को बाहर करना है तो गाइज जे उसो को फिलहाल रोमन रेंग्स का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि गाइज अगर इस समय जे उसो रोमन रेंग्स का साथ देते गए तभी वो WWE के अंदर अगले ट्राइबल चीफ बनेंगे। और गाइज यहां पर इन दोनों का डिस्कशन चल ही रहा होता है तभी सडनली जिमी उसो रिंग के अंदर आ जाते गए, जहां पर जिमी उसो के रिंग में आने के बाद रोमन रेंग्स जिमी उसो की बेइज्जती करने लगते गए। और गाइज रोमन रेंग्स ये कहते गए कि जिमी उसो की वजह से जे उसो का WWE करियर इतना डाउन रहा है, और गाइज अगर यहां पर जे उसो जिमी उसो के साथ ना होते तो वो 10 साल पहले ही रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुके होते। और गाइज यहां पर रोमन रेंग्स के ऐसा कहते ही जे उसो काफी एंग्री हो जाते गए और गाइज जे उसो रोमन रेंग्स के ऊपर सुपर किक हिट कर देते गए। और गाइज फाइनली WWE की आज स्मैकडाउन के एंडिंग के ऊपर उसो ने ब्लड लाइन के ऊपर टर्न कर दिया है, जहां पर जे उसो के रोमन पर अटैक करने के बाद उसो ब्रदर हमें सोलो सकुआ पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज स्मैकडाउन के एंडिंग के ऊपर जहां सोलो सकुआ और रोमन रेंग्स रिंग के अंदर डाउन होते